गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज साइंस की क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का टॉपिक इरिगेशन के बारे में बताएंगे। इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई करना। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। सभी लिविंग बींग्स जो जीवित लोग रहते हैं उनको क्या है? वाटर जरूरी है जीने के लिए, पानी जरूरी है। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर क्यों जरूरी है? प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो वाटर है वो बहुत ही ज़रूरी है। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट। वाटर प्लांट में किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? उनके रूट्स के द्वारा। अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर के साथ मिनरल एंड फर्टिलाइजर आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। वाटर के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड रहते हैं। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट कितने वाटर को कंटेन करके रखते हैं? 90%। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक अंडर ड्राई कंडीशन। वाटर जरूरी क्यों है प्लांट में? क्योंकि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड रहता है, मतलब बीज जो है उसका जर्मिनेशन, मतलब वो जब उगता है तो वो सूखी, जो ज़मीन सूखी रहती है तो वो उगता नहीं है। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्ट टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं उन सभी को प्लांट के सभी पार्ट में जाना क्या रहे ज़रूरी है। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर क्या करता है? जो हॉट एयर करंट रहता है उससे भी क्रॉप को क्या करता है? बचा कर रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। जो मॉइस्चर ऑफ सॉइल रहती है अच्छी फसल की ग्रोथ के लिए, फील्ड हैव टू वाटर रेगुलरली। जो वो फील्ड रहती है, मतलब वो जो जगह रहती है जहाँ पर हमने कोई भी सीड डाला है, उसको क्या हो? रेगुलरली पानी दिया जाए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। वाटर का सप्लाई जो रहता है क्रॉप्स का रेगुलर इंटरवल्स में, वो क्या कहलाता है? इरीगेशन कहलाता है। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। जो टाइम रहता है फ्रिक्वेंसी इरीगेशन का, वो क्या करता है? क्रॉप टू क्रॉप तक जाता है, सॉइल से सॉइल तक, और सीजन टू सीजन ग्रो रहता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटर इज़ हायर। और जो समर में रहता है, गर्मी के टाइम में वाटर की फ्रिक्वेंसी कैसी रहती है? ज़्यादा रहती है। Why is it so? ऐसा क्यों? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या ये जो किसके कारण होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन रहता है वो जो बढ़ जाता है, उसके कारण क्या होता है? लीव्स से भी होता है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। मैं इस साल बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ? जागरूक हूँ प्लांट्स को वाटरिंग करने, मतलब पेड़ को, पौधों को पानी देने में। लास्ट समर माय प्लांट्स ड्राई अप एंड डाइड। जो गर्मी चली गई उसमें जो मेरे प्लांट्स थे वो कैसे हो गए? ड्राई, सूखे हो गए, और वो डाइड मतलब मर गए। सोर्स ऑफ इरीगेशन, द सोर्स ऑफ वाटर ऑफ इरीगेशन आर। अब इरीगेशन मतलब सिंचाई के लिए कौन कौन से सोर्स है, तो कौन कौन से है पानी के सोर्सेस? वेल्स मतलब कुआं, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ठीक है, वेल्स मतलब कुआं, ट्यूबवेल मतलब बोरिंग जो करते हैं वो, पॉन्ड मतलब क्या बनाते हैं वो, बना के रखते हैं पॉन्ड, लेक्स भी बना के रखते हैं, रिवर्स रहती है, डैम्स रहती है, और कैनाल्स भी वहाँ पर रहती है। ये सभी क्या है? वाटर का सोर्स है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरीगेशन की? द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड बाई डिफरेंट मेथड ऑफ डिफरेंट रीजन्स। जो वाटर वेल में, लेक में और कैनाल में प्रेजेंट रहता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? अलग अलग मेथड्स के द्वारा वो बाहर निकाला जाता है फॉर टेकिंग टू द फील्ड। और उसमें क्या, उसको बाहर निकाल कर क्या करना पड़ता है? पूरी जो फील्ड रहती है उसमें डालना पड़ता है। कैटल फॉर ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। कैटल फॉर ह्यूमन लेबर का ज़्यादा यूज़ किया जाता है इस मेथड को करने के लिए। सो दिस मेथड आर चीपर बट लेस इफ़िशेंट। ये मेथड क्या है? चीपर है पर इफ़िशेंट, मतलब ज़रूरी बहुत है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। जो वेरियस ट्रेडिशनल वे है वो कौन कौन से हैं? मॉट पुली सिस्टम और चेन पम्प। कौन कौन से? मॉट पुली सिस्टम और चेन पम्प। और क्या है?
भेकली एंड राहत लीवर सिस्टम। ठीक है, पंप आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, ज़्यादातर पानी को बाहर निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम पंप का यूज़ करते हैं। डीजल एंड बायोगैस एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप। क्या ज़रूरी रहता है इसमें, डीजल ज़रूरी रहता है, बायोगैस ज़रूरी रहती है और इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी रहती है। सोलर एनर्जी भी इसमें पंप को चलाने के लिए ज़रूरी रहती है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, अब आजकल की जो मेथड है मॉडर्न मेथड, ये कौन सी इरिगेशन की, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकल। मॉडर्न मेथड जो रहती है इरिगेशन की, वो क्या करती है, हमको इकोनॉमिकल वाटर को यूज़ करने में हेल्प करती है। द मेंटेन मेथड यूज फॉर फॉलोस, जो मेथड है वो यूज़ की जाती है, वो कौन कौन सी, पहले आती है स्प्रिंकल सिस्टम। कौन सा सिस्टम आता है पहले, स्प्रिंकल सिस्टम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशेंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ये सिस्टम कहाँ पर यूज़ होता है, ज़्यादातर जहाँ पर लैंड ऐसी जगह पर यूज़ होता है जहाँ पर वाटर ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। क्या रहता है इसमें, परपेंडिकुलर पाइप्स रहते हैं, उसमें क्या रहती है, रोटेटिंग नोजल रहती है, और फिर उसके टॉप पर रोटेटिंग नोजल रहती है जो किससे जॉइंट रहती है, मेन पाइपलाइन से जुड़ी हुई रहती है वो। व्हेन वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इससे क्या होता है, वाटर क्या करता है, अंडर प्रेशर के द्वारा पंप की हेल्प से सभी जगह जाता है। इट एस्केप फ्रॉम रोटेटिंग नोजल, इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। ये क्या होता है, स्प्रिंकल हो जाता है क्रॉप के ऊपर अगर क्या होता है, पानी आता है तो। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, स्प्रिंकलर ज़्यादातर कहाँ पर यूज़फुल रहता है, लॉन्स में, कॉफ़ी प्लांटेशन में और सेवरल अदर और दूसरी क्रॉप्स में भी यूज़फुल रहता है। अब ये डायग्राम में आप देखो स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में। फिर नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम क्या रहता है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर टू द रूट्स। अब जो वाटर है इस ड्रिप सिस्टम में क्या रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ पर जाता है, उसकी रूट्स में, उसकी जड़ में। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये क्या है, एक अच्छी टेक्निक है फ्रूट प्लांट को पानी डालने के लिए। गार्डन्स एंड ट्रीज, किसके लिए, गार्डन और ट्रीज के लिए। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें क्या होता है, पानी वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ अ बोन इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, ये क्या है, एक चमत्कार है जहाँ पर पानी की क्षमता क्या रहती है, कम रहती है। आप ड्रिप सिस्टम का जो डायग्राम है वो देख लीजिए। एट्थ क्लास स्टूडेंट्स, आपकी साइंस की क्लास आज की यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स के बारे में आपको समझाएंगे। अगर ये चैप्टर आपका स्टार्टिंग से छूट गया है तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इसको पूरा समझ सकते हैं।